हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और बहुत अच्छे से होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे इन क्लासेस को। और जैसे कि मैं रेगुलर एक जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एक चैप्टर लेते हैं, उसको टॉपिक वाइज हम पढ़ाते चले जाते हैं। यदि आपने लगातार हमारे वीडियो को आप फॉलो कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपने सिटी में या किसी एकेडमी में या कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत है। आप उससे अच्छी केमिस्ट्री आप यहीं सीख जाएंगे, क्योंकि हम लोग उनसे कहीं ज़्यादा बेटर आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और कहीं ज़्यादा आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम आपको सिखाना चाहते हैं, आपको लूटना नहीं। रिएक्शन क्वोशेंट का मतलब होता है व्हेन लॉ ऑफ मास एक्शन इज अप्लाइड टू ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट देन लॉ ऑफ मास एक्शन कॉन्स्टेंट मास एक्शन कॉन्स्टेंट नोन एज रिएक्शन कोशेंट। ओके, अब बेटा बेसिकली क्या है कि आपने किसी भी टाइम पर अप्लाई कर दिया। मान लो आपने अप्लाई किया किसी भी टाइम पर, उस समय बेटा इसकी कंसंट्रेशन सी है, ओके, इसकी कंसंट्रेशन डी है और इसकी ए है, इसकी बी है। तो ये जो ला मास एक्शन कांस्टेंट है ना, इसी को बोलते हैं रिएक्शन क्वोशेंट। अब बच्चे कहते हैं चलो सर ठीक है, समझ में आ गया कि ये ला मास एक्शन, लेकिन ला मास एक्शन कांस्टेंट जो होता है ये हमें, हम इसके बेसिस पे कुछ प्रिडिक्शन करते हैं। कैसे? यदि ला मास एक्शन कांस्टेंट की वैल्यू और केसी की वैल्यू दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। और यदि मैं आपसे यह कहूं कि क्यूसी की वैल्यू बड़ी है केसी से तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे तो नहीं है लेकिन इक्विलिब्रियम पे आना चाहती है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है लेकिन इक्विलिब्रियम पे आना चाहती है। कैसे कैसे आएगी? वो आएगी क्यूसी अपनी वैल्यू को कम करेगा, क्योंकि के तो कांस्टेंट होता है, ये तो कभी अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। और क्यूसी यदि अपनी वैल्यू को घटाएगा तो घटा कैसे सकता है कि ये घटे, ये भी घटे और ये थोड़ा बढ़ जाए तो ये क्यूसी कम हो जाएगा। यदि ये घटे और ये भी कम हो जाए और ये बढ़ जाए तो इसका मतलब है आप बोल रहे हैं कि रिएक्शन बैकवर्ड। बिल्कुल सही बात है, मैं बोल रहा हूं रिएक्शन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शंस। ओके, अब बेटा मैं आपसे एक छोटी सी बात और आपसे कहूं। यदि मैं आपसे यह कहूं कि क्यूसी छोटा है केसी से तो इसका मतलब भी यह है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे तो नहीं है लेकिन इक्विलिब्रियम पे आना चाहती है। इक्विलिब्रियम पे नहीं है लेकिन इक्विलिब्रियम में आना चाहती है। तो इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी? ये अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा, क्योंकि के तो कांस्टेंट रहना है। ये जब वैल्यू को बढ़ाएगा तो उस समय क्या होगा? उस समय सी बढ़ेगा, डी बढ़ेगा, ये कम हो जाएगा, यानी कि आप कह रहे हैं रिएक्शन फॉरवर्ड, ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। तो बेटा कंक्लूजन क्या बना? कंक्लूजन ये बना कि जब ये इक्वल होते हैं तो इक्विलिब्रियम और जब क्यू ज्यादा होता है तो बैकवर्ड और क्यू कम होता है तो फॉरवर्ड। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन क्वेश्चन, अब हम सिर्फ, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं ये आपसे कहूं कि मैं रिएक्शन क्वेश्चन का एप्लीकेशन क्या है, ए इसका जो एप्लीकेशन है बेटा, एप्लीकेशन ये है प्रिडिक्ट द नेचर डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस।
मतलब Q और K इक्वल है तो इक्विलिब्रियम, Q ज्यादा है तो बैकवर्ड, Q कम है तो फॉरवर्ड। ओके बेटा, तो इस तरीके से। चलिए बेटा, बेटा अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं। क्वेश्चन ये है कि आपने कंटेनर के अंदर NOBR का जो प्रेशर है वो 0.5 रखा, ठीक है, और इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 0.5, इसका 0.4 नाइट्रिक ऑक्साइड का और ब्रोमीन का 2 एटमॉस्फेयर। ओके, और इस समय ये एक रिएक्शन होती है, NOBR गिव्स NO प्लस हाफ Br2, और इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 0.15 एटमॉस्फेयर। दस ये बेटा इसका, ये इसका केपी है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि ये तीनों आपने मिक्स कर दिए, इनके पार्शियल प्रेशर आपने बनाए हैं, तो बताइएगा कि इसमें कुछ समय के बाद इसका प्रेशर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, NOBR का प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा। फिलहाल तो यह है कि इसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इतना है, इसका इतना, तो बेटा इसका मतलब यह है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि वो प्रेशर इसका बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, तभी बढ़ेगा, और घटेगा तब जब ये फॉरवर्ड हो जाएगी, और इसके लिए तो मुझे रिएक्शन क्वेशेंट का हेल्प लेनी पड़ेगी। अब मुझे तो मालूम नहीं कि यहां इक्विलिब्रियम है, तो मैं इस पे लॉ ऑफ मास रिएक्शन अप्लाई करूंगा। दिस इज 0.5 एटमोस्फेयर, ओके, दिस इज 0.4 एटमोस्फेयर, ओके, दिस इज 2 एटमोस्फेयर, दिस इज ओके। तो यहां क्यूपी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, दिस इज 0.4, दिस इज 2 अंडर रूट, एंड दिस इज 0.5, ओके। तो बेटा इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 0.8 इंटू रूट टू, रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई कितना करके कितना आ जाएगा, 8 8 4 जा 32, और ये आ जाएगा 1 और ये 3 एंड दिस इज 1, तो मेरे ख्याल से तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि क्यूपी की वैल्यू यहाँ केपी से ज़्यादा रही है, तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स होगी तो इसका प्रेशर बढ़ेगा। बिल्कुल सही आंसर, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा और इनका प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं और कराता हूँ, शायद मेरी बात को आप और अच्छे से सीखेंगे। कि ये एक कंटेनर है और इसके अंदर PCl5 की कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर है, Cl2 की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, PCl3 की कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है, ओके। हमारी जो इक्वेशन है PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ओके। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10। चलिए दिस इज केसी, इसका जो दिया है केसी वो 10 है, बिल्कुल सही बात है, 10 मोलर। अब बेटा मुझे बताना यह है कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड, तो कोई बात नहीं, दिस इज 1, दिस इज 0.01 एंड दिस इज 0.1, तो यहां केसी आ जाएगा 0.01 इंटू 0.1 अपॉन 1, तो ये होगा 10^-3, तो भैया क्यूसी, इस रिएक्शन का जो क्यूसी है वो कम आ रहा है केसी से, तो रिएक्शन बैकवर्ड होगी या ये रिएक्शन फॉरवर्ड, तो भैया रिएक्शन को फॉरवर्ड होना ही पड़ेगा, ओके? तो इस तरीके से हम रिएक्शन को फॉरवर्ड। चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है और बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को रीड करिए और उसका सॉल्यूशन करिए। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं।
इसके अंदर बेटा मुझे ये बतानी है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो बेटा इसमें क्या हुआ कि 2 लीटर की वैसल है जिसमें 1 मोल, अब ये भी गैस है बेटा, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इक्वेशन है ए गैस प्लस बी गैस गिव 3C गैस, ओके। तो ए कितना है, दिस इज 1, बी कितना है, दिस इज 2, सी कितना है, दिस इज 4, ओके। तो इसमें वॉल्यूम कितना बेटा कंटेनर का, 2 लीटर। तो इसका मतलब इस गैस की कंसेंट्रेशन ये हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी, दीज आर दी कंसेंट्रेशन। तो मैं यहां क्यूसी निकाल लेता हूं, तो क्यूसी की वैल्यू आ जाएगी 2 का क्यूब अपॉन 1 into half = 16। तो अब बेटा क्यूसी की वैल्यू छोटी है या बड़ी है ये आप डिसाइड करिए इसके बेसिस पर। ये 20 है, ये 16 है, तो क्यूसी के इससे कम है, तो कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, तो ये रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड मूव करेगी। तो इस तरीके से ये हमने क्यूसी के ऊपर एक और क्वेश्चन किया। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये बेटा कि ये आपके पास NH4Cl और अमोनिया HCl के बीच में इक्विलिब्रियम है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे दिया हुआ है। उसने पूछा है कि हमने क्या किया कि एक वैसल ली, बिल्कुल खाली वैसल, इस वैसल में हमने अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, सॉल्ट ओनली, सिर्फ यही है। ये तब है जब टाइम 0 है। थोड़ी देर के बाद ये अमोनियम क्लोराइड डिसोसिएट हो गया, ओके, इस तरीके से, ठीक, एट टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उसने कहा कि जब थोड़ी देर के बाद आपका अमोनियम क्लोराइड जो कि आपने इस वैसल में डाला है, तो अब डालने के बाद जब वो डिसोसिएट हो गया, तो कैलकुलेट प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ ए प्रेशर टोटल एंड पार्शियल प्रेशर ईच, ये बेटा आपको निकालना है, ओके। तो अब बेटा आप एक बात बताइए कि जब आपके पास NH4Cl था, वो डिसोसिएट हुआ, उसके कुछ मोल्स बने, उनका पार्शियल, जितने मोल बेटा इसके बनेंगे ना उतने ही मोल इसके बनेंगे, ओके। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जो मोल फ्रैक्शन इसका होगा इस अमोनिया गैस का इस कंटेनर में, वही इसका होगा। और मान लिया जाए कि टोटल प्रेशर पी है, यहां टोटल प्रेशर इज पी, ओके। टोटल प्रेशर हमने कहा कि इस वैसल का जो टोटल प्रेशर है वो पी है। तो बेटा इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.5, इसका मोल फ्रैक्शन भी 0.5। आप थोड़ा सा इसको मैं बड़े करके लिख देता हूं ताकि आप अपने, ठीक है, मोबाइल पे बहुत अच्छे से जरा इसको रीड कर ले, समझ ले। तो बेटा अब आप यहां देखिए, जितना मोल इसके उतने ही मोल इसके, तो यानी इसका मोल फ्रैक्शन हाफ है तो इसका भी हाफ है, टोटल प्रेशर पी है तो इसका पार्शियल प्रेशर ये आ गया, इसका पार्शियल प्रेशर ये हो गया, ओके। तो बेटा मैं आपको यहां क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि केपी कितना आपके पास, KP = 6.4, ओके, 6.4 10^-9 -9 = एंड दिस इज सॉलिड, और सॉलिड का प्रेशर आप क्या लेंगे, यूनिटी, मतलब यहां पर इसका कोई प्रेशर नहीं होगा क्योंकि सॉलिड है तो प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। सॉलिड का बेटा वेपर प्रेशर होता है, सॉलिड का प्रेशर नहीं होता, और वेपर प्रेशर ये आप निकाल ही रहे, पी इज द वेपर प्रेशर, ओके। तो अब आप 6.10 और यहां पर कितना आ जाएगा, P/2 × P/2, तो ये आपका
वैल्यू हो जाएगी पी इज इक्वल टू, यानी कि हम लिख सकते हैं 6.4 10 टू दी पावर माइनस 9 इंटू 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो P की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 इंटू 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, यानी कि P आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 एटमोस्फियर, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इस तरीके से मैंने इसका टोटल प्रेशर, तो इस तरीके से बेटा छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं इनका डिटेल वीडियोस भी हम बना रहे हैं, ठीक है। और कल बेटा आपको एक वीडियोज और मिलेगा, बल्कि और वो वीडियो जो मिलेगा, बल्कि आज ही मैं कोशिश करूंगा कि वो अपलोड कर दूं, तो वो है बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपको सॉल्व मैंने कर दिए थे, मतलब उसको वीडियो बना दिया था, लेकिन वो अपलोड करना हमारी टीम भूल गई, तो उसको बेटा आज हम अपलोड कर देंगे। ओके बेटा, मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है ये बेटा रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ऐसे CO2 गैस प्लस H2 गैस टू फॉर्म CO गैस प्लस वाटर, ए दिस अंडरस्टूड है बेटा। इतना टेम्परेचर यदि है तो पानी बेटा लिक्विड फॉर्म में तो नहीं रहेगा, गैस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो बेटा मुझे बताना है कि प्रत्येक गैस का इक्विलिब्रियम के ऊपर कितनी कितनी अमाउंट होगी, ठीक है। यदि आप यहां देखें CO2 गैस, H2 गैस, CO गैस एंड वाटर गैस, यदि हम यहां 0.45 मोल और हाइड्रोजन इज 0.5, तो बेटा उसने पूछा है कि इक्विलिब्रियम पर इनके कितने कितने मोल्स होंगे। ओके, इस रिएक्शन का बेटा जो K है वो दिया है 0.11। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर यहां ये नहीं लिखा कि ये KC है या KP है। देखो बेटा, इसमें इस रिएक्शन का जो डेल्टा NG है वो वैल्यू है 0, डेल्टा NG, और जब डेल्टा NG 0 है तो KP इक्वल टू KC RT की पावर 0, यानी कि KP इक्वल टू केसी होगा। ओके, तो यानी कि ये केपी होगा या केसी होगा, यानी कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब आप इसको एज अ केसी और केपी दोनों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बेटा हमने यहां जब टाइम जीरो था तब ये था, एट टाइम टी टी सेकंड इसके एक्स मोल खर्च हो रहे हैं, इसके एक्स मोल खर्च हो रहे हैं, इसके एक्स और इसके एक्स, दिस इज 0.45 माइनस एक्स, दिस इज 0.45 माइनस एक्स एंड दिस इज एक्स एक्स। ओके, तो बेटा मैं लिख सकता हूं के इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स अपॉन 0.45 माइनस एक्स इंटू 0.45 माइनस एक्स, यानी कि मैंने इसको सीधा स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 0.11। तो हम लिख सकते हैं बेटा x अपॉन 0.45 माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 0.11। ओके, यहां पर बेटा मैं x की वैल्यू को सॉल्व कर लेता हूं, और जब x सॉल्व करके आएगा ये आएगा 0.11। अब आप सबकी अमाउंट्स आपके पास आ जाएगी, क्योंकि जब आपने x सॉल्व कर दिया इसकी अमाउंट आ गई, इसकी आ गई, यहां x को माइनस कर दिया इसकी आ गई और इसकी भी। इस तरीके से हमने सबकी अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया है। मैं कुछ बातें आपके साथ और करते हैं, इसी में थोड़ा चेंजेस लाते हैं क्वेश्चंस के अंदर। अब बेटा क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम पर, ये कहां पर है बेटा, एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पर है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि इक्विलिब्रियम पर ये 0.34 है, ये 0.34 है, ये 0.11 और ये 0.11, ठीक है। और हमने क्या किया कि इसके अंदर थोड़ी देर के लिए बेटा इमेजिनेशन करिए कि मैंने इसके अंदर 0.34 मोल इसके और ऐड कर दिए, या 0.16 इफ, मैं अपनी तरफ से एक इमेजिनेशन लगा रहा हूं, इफ इफ 0.16 मोल मोल ऑफ CO2 एंड
0.16 मोल H2R एडेड एट इक्विलिब्रियम, देन इट इज इट विल बिकम 0.5, इट विल बिकम 0.5 एंड दिस इज 0.1. ओके, लेकिन अब बेटा क्या है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. अब इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हो गया. यदि इक्विलिब्रियम अब आपका डिस्टर्ब हो गया तो अब ये रिएक्शन आगे की ओर जाएगी या पीछे की ओर, ये मुझे मालूम नहीं. इस बात को बेटा मैं आपको क्यूसी के जरिए डिसाइड कराऊंगा. तो हम क्या करते हैं, इस समय मैं क्यूसी निकालता हूं. तो क्यूसी की जो वैल्यू है वो 0.11 अपॉन 0.5. ओके, समझ में आ गया. अब बेटा इसकी वैल्यू आ गई 0.44. क्यूसी जो है वो पॉइंट, केसी की वैल्यू ये है और क्यूसी की वैल्यू ये है. तो इससे समझ में आ गया कि क्यूसी बड़ा है केसी से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा. तो रिएक्शन को तो बेटा अब आपको क्यूसी बड़ा है केसी, तो फॉरवर्ड तो बेटा उसको जाना पड़ेगा. हेलो, क्योंकि बेटा अब उसको फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, तो यानी कि ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा, ये प्लस एक्स. तो मैं इसको ऐसे सोचूं तो इसका केसी 0.11 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स अपॉन 0.5 माइनस एक्स इंटू 0.5 माइनस एक्स. ठीक, तो ये x की वैल्यू यहां पर जो आ जाएगी, यहां से इसको x को सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ जाती है 0.124. तो बेटा x इज 0.124. तो यदि ये 0.124 है तो दिस विल बिकम 0.11 प्लस 0.124, 0.11 प्लस 0.124 एंड दिस इज 0.5 माइनस 0.124 एंड दिस इज 0.5 माइनस 0.124. तो ये आपकी इक्विलिब्रियम पर अमाउंट आ जाती है. मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको रिवाइंड करिए, दोबारा से देखिए और उसके बाद हम आगे चलें. अब ऐसा हुआ कि एक इक्वेशन है आपकी फेरिक आयन मर्क्यूरस आयन, फेरस और मर्क्यूरिक. ठीक है, इसने कहा कि इनिशियल कंसेंट्रेशन ये इनकी दी हुई है. ओके, और कह रहा है इक्विलिब्रियम पे बताइए इनकी कंसेंट्रेशन क्या क्या होगी. बहुत सरल है. इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे, बेटा आपको लिखनी होगी दोबारा से. पहले तो आप ये देखिए, फेरिक एक्वस प्लस चले. देखो बेटा ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो इसके लिए बेटा मैं समझता हूं कि आप इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि सपोज मान लो ये पॉइंट दिया हुआ है फेरिक, फेरिक इज 0.5, दिस इज 0.5, और ये है आपके पास 0.5, दिस इज 0.03, ये 0.03. देखो बेटा हमें ये तो मालूम नहीं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड, ये इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है मुझे तो कुछ पता नहीं. तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये कंसंट्रेशन आपकी इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है. तो चलिए हम इस चीज को देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पर ये है या नहीं. तो 9.14 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 0.03 का होल स्क्वायर, 0.03 का होल स्क्वायर अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर इंटू 0.5. ओके, तो इससे बेटा मैं क्या करूं कि अब ये वाली वैल्यू और इसके बीच में क्या रिलेशन है ये देखूंगा. ये तो है केसी और ये बेटा आपने निकाला है क्यूसी. ओके, ये केसी दिया है, ये क्यूसी. अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं कितना आता है. चलो इसकी वैल्यू को सॉल्व करके मैं आंसर बताता हूं कितना. बेटा जब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके बेटा मैंने ये देखा कि इसकी आंसर आता है 6.48 10 टू द पावर माइनस 6. अब इन दोनों में मैं रिलेशन चेक करूं तो मुझे ये लगा कि क्यूसी इज लेस देन केसी, क्यूसी केसी से कम है. ठीक, तो यदि क्यूसी केसी से कम है, या ये कहिएगा केसी, केसी की वैल्यू
ज्यादा है क्यूसी से, कुछ भी आप कहिएगा। तो बेटा क्यूसी की वैल्यू केसी से कम है, यानी कि क्यूसी अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहता है, वो तो इसके बराबर आना चाहता है। तो यदि वो इसके बराबर आना चाहता है, अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहता है, तो इनको इंक्रीज करेगा और इनको डिक्रीज करेगा, तो यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। ओके, तो अब हमें समझ में आ गया कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड चलने वाली है। तो यदि फॉरवर्ड चलने वाली है तब हम इसको कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं। तो हम ठीक है बेटा, यहां पर बेटा मैं ले रहा हूं एक्स, कितने इसकी कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज हुई, 2x, इसकी कितनी डिक्रीज हुई, x, इसकी कितनी बनी, 2x, और ये 2x, ओके? ये हो जाएगा 0.5 माइनस 2x, ये होगा 0.5 माइनस x, एंड दिस इज 0.03 प्लस 2x, 0.03 प्लस 2x, ओके? लेकिन इतना बेटा मैं अब आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को जो मैं सॉल्व कर रहा हूं और मुझे इसकी केसी मालूम है, तो केसी तो बहुत कम है बेटा, केसी की जो वैल्यू है बेटा वो मुझे इतनी कम नजर आ रही है कि मैं उसको 0.5 की रिस्पेक्ट पे या 1 की रिस्पेक्ट पे छोड़ सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि उसे मुझे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो खैर मैं इसको हमने ऐसे लिखा, केसी 9.14 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 0.03 प्लस 2x का होल स्क्वायर, 0.03 प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 0.5 माइनस 2x, 0.5 माइनस x। तो भैया एक काम ना करें हम लोग कि इस x को, क्योंकि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यदि आप क्वाड्रेटिक एक बार बन गई तो बेटा फिर सॉल्यूशन बड़ा मुश्किल है, आपको सोचना पड़ेगा। इसमें आप एक बात सोचिए कि जब k की वैल्यू इतनी 10 टू द पावर माइनस 3 होती है, तो k की अल्फा की वैल्यू जो होती है डिग्री, यानी कि जो मोल डिसोसिएट होते हैं बहुत थोड़े होते हैं, उनको 1 के रिस्पेक्ट पे छोड़ा जा सकता है। यदि आप मेरी वीडियो नंबर 2 देखें तो वहां लिखा मैंने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस में, तो उस वीडियो नंबर 2 में आपको बताया कि कब आप 1 की रिस्पेक्ट पे एक्स को छोड़ सकते हैं, कब नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि छोड़ के कोई खास अंतर आने वाला नहीं। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे बना लेता हूं, 0.03 प्लस 2x का होल 4 अपॉन 0.5 इंटू 0.5। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, ये स्क्वायर है। तो ये बेटा स्क्वायर करके और इसको सॉल्व करके यदि हम देखें, इसका पूरा सॉल्यूशन करें, तो ये आ जाएगा 0.03 प्लस 2x का होल 4 इज इक्वल टू, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 9.14 इंटू 10-6 इज इक्वल टू, हमने क्या लिया, दिस स्क्वायर, ओके, दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर एंड दिस, ओके। लेकिन बेटा मैं अब इसको सॉल्यूशन करूं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता, बड़ा आसान तरीके से। वो ये कि बेटा इसमें जो के है वो इतना छोटा है 10^-6 की, 1 की रिस्पेक्ट पे जो डिसोसिएशन होगा वो बहुत कम होगा, उसको छोड़ सकते हैं, यानी कि 0.5। यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 की रिस्पेक्ट पर मैं 2x और 0.5 की रिस्पेक्ट पे x को छोड़ दूं, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि दिस इज स्क्वायर इंटू दिस, ये आ गया। तो इस पूरे को सॉल्यूशन करें तो ये बेटा हमारा आंसर आता है, ये कि 0.03 इंटू 2x का होल 4 इक्वल टू दिस। और इसका यदि मैं सॉल्यूशन करूं, इसको मैंने -6 को -8 कर दिया, 2 पॉइंट आ गए, फिर इसका मैंने दोनों साइड में डबल अंडर रूट कर दिया। अब बेटा जब मैं इसका डबल अंडर रूट करता हूं, तो डबल अंडर रूट करने पर इसको कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -2, ओके, और x इज इक्वल टू दिस, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपकी x की जो वैल्यू 0.01 0.0163, ये वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 0.0163 को यदि मैं यहां इंटू 2 को यहां ऐड कर दूं, यहां सब्ट्रैक्ट कर दूं, यहां दिस करूं, तो आपकी इन सब की कंसंट्रेशन एग्जैक्ट फॉर्म में आपके सामने आ जाती है। तो मुझे लगता है कि शायद अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे।